बोल भूचन जी, बहुत इजी है। थैंक यू रवि। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। पुरानी मूवी है ना ये, बहुत फेमस। हाँ हाँ, शोले तो नहीं, शोले। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। आपको दिख सकता है कि अब मैं बिना चश्मे के एकदम क्लियरली आपसे बात कर पा रही हूँ। इसका राज आई होप आप लोगों ने अभी तक जान लिया होगा। मेरी नहीं जाना तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखो। मैंने लेसिक सर्जरी करा दी है, उसका मैंने फुल ब्लॉग डाला है, तो पहले वो वीडियो देखो फिर इस वीडियो में आना, ठीक है? तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो ये एक मैंने न्यू कॉन्सेप्ट सोचा कि इसको स्टार्ट करते हैं, और ये एक बहुत ही फनी वीडियो होने वाली है, ठीक है? ये बेसिकली एक सीरीज होने वाली है। इस सीरीज का नाम है बेफालतू के सवाल विद अनुकृति, ठीक है? तो डाउनलोड प्लीज पढ़े क्या, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग एक गेम शो है जिसमें हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। और आज है इसका एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड 1 में होने वाली है काफी ज्यादा सवाल जवाब, बट उनका कोई सरपैर नहीं होने वाला, वो कुछ भी रैंडम कुछ भी होने वाला है, ठीक है? तो ये एक क्विज होने वाली है जिसके राउंड्स होंगे, और मैं अकेले बैठ के वो सवाल जवाब नहीं करने वाली। मेरे साथ एक बहुत ही दो बढ़िया लोग हैं जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने उन लोगों को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है कि आके मेरे साथ वीडियो बनाओ, तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो मेरी पहली गेस्ट इस पहले एपिसोड पे है द वन एंड ओनली कनिष्का गुलाटी। तो कनिष्का इज अ वेरी वेरी फेमस सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजर, ठीक है? और कनिष्का बहुत ही बड़ी बॉलीवुड एंथुजियास्ट है, और काफी मजा आने वाला है, राइट कनिष्का? यस। और हमारी सेकंड गेस्ट एक ऐसी इंसान है जिनको अगर आप कभी यूरोप ट्रिप पे जा रहे हो और अगर आपको वो मिल गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड टूर पे निकली रहती है। लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली स्वाति गोयल। ये स्वाति एक बहुत बढ़िया वीडियो एडिटर और डिजाइनर भी है, तो कोई आपके पास फ्रीलांस कुछ हो तो यू गाइस कैन कनेक्ट स्वाति। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो और बढ़ते हैं हम अपने पहले राउंड की ओर, जो कि होने वाला है एक बॉलीवुड राउंड। तो आर यू गाइस रेडी? यस रेडी। तो पहला राउंड होने वाला है बजर राउंड, ठीक है? इसमें मैं आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगी, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जो सबसे पहले कोई भी बढ़िया फनी वॉइस निकालेगा उसको मौका मिलेगा आंसर देने का, और जिसके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो ये राउंड जीतेगा, ठीक है? डन। चलो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और एकदम ही फास्ट फास्ट होने वाला है, तो अटेंटिव रहना, ठीक है? तो पहला सेगमेंट है गेस द मूवी। तो मैं एक डायलॉग आप लोगों को बताऊंगी और उस डायलॉग से आपको मूवी गेस करनी है। तो पहली मूवी है, क्या तुम मेंटली चैलेंज्ड हो माय बॉय? यार ये तो इजी है, बहुत ज्यादा बजर करना है, वॉइस निकालनी है, जो पहले आवाज निकालेगा उसको मौका मिलेगा, बहुत इजी है। क्या तो राइट, कनिष्का को मिलते हैं 10 पॉइंट्स, ठीक है? स्वाति कोई नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट देखते हैं कौन जवाब देता है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? तेरा मालिक है वो, उसे मूलचंद जी बोल, मूलचंद जी। हिंट देना है तो बता दो। चलो गोल्डन रिट्रीवर, बहुत पुरानी मूवी है, सोचो सोचो। कैटरीना कैफ भी है उस मूवी में, सुनील शेट्टी भी है उस मूवी में। हाँ हाँ, क्लोज हो, क्लोज हो, बताओ बताओ। मनी, अपना सपना मनी मनी। जल्दी जल्दी, बहुत इजी है। चलो उसमें वो भी है, परेश रावल भी है उस मूवी में, वो समझ आ गया। क्या था उस मूवी में, थोड़ा प्लॉट प्लॉट सोचो। डी से स्टार्ट है ना, दे देना। हाँ राइट, 10 पॉइंट्स।
टू स्वाती, चलो हिंट्स के साथ किया बट कोई नहीं, ये थोड़ा टफ भी था, ठीक है। नेक्स्ट मूवी का डायलॉग, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, जमीन। नहीं, ये तो बहुत इजी है यार, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। पुरानी मूवी है ना ये, बहुत फेमस। हाँ हाँ, शोले तो नहीं, शोले। कंट्रोल कंट्रोल उदय। गाइस देख लो, मतलब शोले, वाह। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप गेस कर रहे हो ये मूवी जल्दी से कौन सी मूवी है, बताओ, बहुत इजी है यार। बोला एक्टर कौन है? नाना पाटेकर, बड़ा इजी हिंट दे दिया। अरे ये वो है फनी वाली मूवी है ना, अरे वो जिसमें अक्षय कुमार है। यस राइट, इसमें 5 points मिलेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प लगी है। तो ठीक है, ये फर्स्ट सेगमेंट था बजर ऑन का। अब इस फर्स्ट सेगमेंट के बाद कनिष्का के 15 पॉइंट्स है और स्वाति के 10 पॉइंट्स है, ठीक है, क्लोज आ रहे हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड की ओर, नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। फर्स्ट राउंड ये सेम वही है, बजर राउंड होने वाला है, ठीक है। बट अभी अगर किसी ने बजर नहीं बजाया उसके -2 points होने वाले हैं, क्योंकि एज ए क्या कोलैबोरेशन नहीं है, ये कॉम्पिटिशन है, प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि बजर बजाना है, कोई साउंड निकालनी है। तो नेक्स्ट सेगमेंट होने वाला है कंप्लीट द सॉन्ग। तो मैं एक लाइन गाऊंगी अपनी बेसुरी सी आवाज में, आप लोगों को बस वो सॉन्ग जल्दी से कंप्लीट करना है, बजर बजाना है, ये चीज मत भूलना, ठीक है। पहला गाना म्यूजिक, सारी सारी रात जगाता है यही। जल्दी जल्दी, आधी आधी आता है कोई दिल तो पागल है, जल्दी गाना है, ठीक है। 10 points टू कनिष्का। नेक्स्ट सॉन्ग, स्वाति जीत रही है वो। नेक्स्ट सॉन्ग, शाम सवेरे तेरी यादें आती है, गाने का नाम भी बता दो, पास ऑन कर दिया माइक सीधा, इजी है, लक्की अली भाई। लक्की अली का जब गाएगी तो भी याद आएगा। नहीं आता, नहीं एग्जैक्टली नहीं आता। चलो छोड़ो, कमेंट सेक्शन में बताओ नीचे कौन सा गाना है और आगे की लिरिक्स क्या है। थर्ड सॉन्ग, ये फाइनल सॉन्ग है, तो ट्राई करो बताने का। और ये एक रैप है, ठीक है, हनी सिंह का रैप है, चलो ठीक है, हिंट दे दिया है, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई लाज है इनमें गहरा तारे। मुझे पता ही था यही होने वाला है। एक बार फिर से, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखों में चश्मे का पहरा, आगे थोड़ा दो लाइन दबा, चश्मे का पहरा। जीरो नल, इसमें किसी को कोई पॉइंट नहीं। तो अब हमारा फर्स्ट राउंड होता है यहाँ पे एंड। तो अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की ओर। तो नेक्स्ट राउंड बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इस राउंड में दो क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कनिष्का से और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वाति से। इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट में मैक्सिमम आंसर्स देने हैं, जिसने मैक्सिमम आंसर्स दिए वो बंदा जीत जाएगा। और इस राउंड में मिलेंगे 20 points, क्योंकि ये बढ़िया राउंड है। तो बोनस राउंड है ये, देख लेना, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम मिलेगा, स्टार्ट करते हैं हम कनिष्का से। तो कनिष्का, यू हैव टू नेम एज मेनी ब्रांड्स एज पॉसिबल स्टार्टिंग विद लेटर बी। बी बाटा, यस बाटा बॉडी वॉश, बूची, सोचो सोचो, इजी है ये, पीछे से हिंट्स दिए जा रहे हैं कैमरा पर्सन। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।
बढ़िया कर रही है, मैंने इतना वो नहीं किया था कि इतने सारे ब्रांड्स याद आ जाएंगे। एक मिनट मुझे लग रहा है ज्यादा दे दिया, 30 सेकंड देने चाहिए थे। बहुत है क्या? 10 सेकंड बचे हैं, सोच लो कोई और एक ब्रांड याद आता है तो आसपास देखो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 3, 2, 1 डन। तो गाइस कनिष्का ने दिए 7 आंसर्स इन 1 मिनट, काफी अच्छा किया है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ही सही है। अब नेक्स्ट आते हैं स्वाति पे, ठीक है? तो स्वाति आपका टास्क होने वाला है, मैं कुछ ब्रांड्स के नेम्स लूंगी और आपको उनकी टैगलाइंस या जिंगल्स बताने हैं, ठीक है? मेरे वाला डिफिकल्ट है बट चलो ट्राई करते हैं। ठीक है ट्राई करते हैं, कोई नहीं। तो एक मिनट में मैक्स टू मैक्स वो करते हैं ब्रांड्स के जिंगल्स, ठीक है? ओके, तो फर्स्ट ब्रांड है मैकडॉनल्ड्स, जस्ट लव इट, लविंग इट, राइट? नाइकी, जस्ट डू इट, सर्फ एक्सेल, मिटा दिया, सर्फ एक्सेल, सोचो सोचो, काफी क्लोज हो आप, दाग से रिलेटेड, दाग अच्छे हैं, हाँ, राइट? एमडीएच, एमडीएच मसाला, इंडिया का मसाला, नहीं, एमडीएच, बिग बबूल, बिग बबूल, बिग बिग बबूल, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, राइट? टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइटिंग का डाला, राइट? विमल, पान मसाला, टैगलाइन, 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 विमल पान मसाला, जुबा केस, निर्मा, वॉशिंग पाउडर, निर्मा, निर्मा दूसरी सफेदी, एक मिनट हो गया गाइस, और बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है स्वाति ने। स्वाति ने टोटल गिन लेते हैं कितने ब्रांड्स किए। तो गाइस रिजल्ट आ गया है और स्वाति ने दिए हैं 8 जवाब, 8 सही जिंगल्स। क्या बात है स्वाति, वाओ, इस राउंड के विनर हो आप। तो राउंड 2 के बाद स्कोर क्या होता है वो अभी हम नहीं बताते, वो हम राउंड 3 के बाद ही डायरेक्ट रिवील करेंगे कि कौन विनर होने वाला है। तब तक आप लोग गेस करो क्योंकि ऑडियंस को भी नहीं दिखेगा स्कोर, ठीक है? आप लोग बताओ कैलकुलेट करके कि दोनों का कितना कितना स्कोर है और हम बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ, ठीक है? एक्साइटेड, मजा आ रहा है ना, कितना मजा आ रहा है, ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड राउंड की ओर, और थर्ड फाइनल राउंड होने वाला है, इसके एंड में जिसके भी मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो होगा हमारा विनर। और विनर को ऐसे ही खाली, मतलब खाली खाली हम नहीं रखने वाले, विनर को मिलेगा कुछ बहुत ही अमेजिंग प्राइज। मैं तो अमेजिंग प्राइज बोल लेती हूँ, इस ब्लिंकिट के थैले में है कुछ, बट मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट वाले को तो हम कुछ ढंग का दे देते हैं, तो सेकंड वाले के लिए भी कुछ है, ठीक है? तो आप लोग या तो कमेंट सेक्शन में गेस करो कि क्या गिफ्ट हो सकता है, बाकी इन दोनों में से जो जीतेगा वो तो एंड में पता लग ही जाएगा कि किसको क्या मिलने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो ये है रैपिड फायर राउंड, ठीक है? 10 क्वेश्चन मैं स्वाली से पूछूंगी, 10 क्वेश्चन मैं कनिष्का से पूछूंगी, जिसने मैक्सिमम जवाब दिया जल्दी जल्दी वो जीत जाएगा, ठीक है? और स्कोरिंग वही होनी है +10 -5। तो स्टार्ट करते हैं स्वाति, आर यू रेडी? आई वाज बोर्न रेडी, रेडी रेडी। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। Which animal is known as the ship of the desert? Camel. How many days are there in a week? 7. How many letters are there in the English alphabet? 20. How many days are there in a year? 28. Sorry, how many days are there in a year? 365. How many seconds are there in a minute? 60. Baby frog is known as? I don't know. Toad. Tadpole. Which animal is known as the king of the jungle? Lion. What is the national song of India? National song, Vande Mataram. Wah. Name the national tree of India. National tree? Yes. Okay, 1 minute. I don't know. How many sides are there in a triangle? 3. Yeah. तो स्वाति का तो हो गया, अब बढ़ते हैं कनिष्का की तरफ। तो कनिष्का let's begin. Who designed the national flag of India? Wow. Name the national game of India. Chess. Name hockey. Name what is the capital of India? New Delhi. Name the biggest continent in the world. Asia. How many continents are there in the world?
6. Which is the smallest month of the year? Feb. Name the house made of ice. Name the largest mammal. A dolphin. Name the largest planet of our solar system. Jupiter. How many consonants are there in English alphabet? How many seconds make 1 hour? 120. तो इसी के साथ कनिष्का के बढ़िया जवाबों के बाद होता है हमारा राउंड 3 यहाँ पे ओवर. तो बेफालतू के सवाल एपिसोड 1 के ये हमारे क्वेश्चंस थे. अब चलते हैं अवार्ड सेरेमनी पे और देखते हैं कि गिफ्ट में क्या है. तो गाइस ये था पूरा क्विज. ठीक है, बहुत मजा आया. मुझे तो क्वेश्चन पूछ के बहुत मजा आया. आप लोग बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था एपिसोड 1 और बेफालतू के सवाल में आकर. पहले कनिष्का आप बताओ कैसा लगा. बहुत मजा आया, बहुत अमेजिंग था. और जितना हमें शूट करने में मजा आया, आई होप आप लोगों को देख कर भी और मजा आया कि हमने क्या मकसूदिया किया इसमें. साथ ही आपको कैसा लगा. बहुत बढ़िया था, खुद का भी थोड़ा पता चल गया कितने पानी में हम. तो यार काफी मन था. अगर आप लोगों को ये पूरा एपिसोड पसंद आया तो जल्दी से अभी क्विकली जाके लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर डालो काफी ज्यादा. मीनवाइल अब जो मेन घड़ी थी पूरे एपिसोड की कि कौन विनर है, आई एम श्योर कि आप लोगों ने तो कैलकुलेट कर लिया होगा कि कौन विनर है. तो मैं बताती हूँ कि बेफालतू नंबर 1 का अवार्ड जाता है कौन है वो है स्वाति. तो हमारे पास है स्वाति के लिए एक बहुत ही बेफालतू सा गिफ्ट जो हम देते हैं स्वाति को. स्वाति आपने आज जीता है एयर डिफ्यूजर फ्रेग्रेंस. तो स्वाति काफी मतलब यूजफुल गिफ्ट मान सकते हैं उसको, बट ठीक है. बट यार क्योंकि कनिष्का ने टाइम निकाला है इतना अपने बिजी शेड्यूल से, तो हम कनिष्का को नाराज नहीं कर सकते. तो हमने कनिष्का के लिए भी कुछ लाया है थोड़ा सा. कनिष्का को मिलता है एक बहुत ही सुंदर अगरबत्ती. कैसे लगे आप दोनों को अपने अपने गिफ्ट. मेरे वाले ठीक है, थोड़ा बेफालतू नंबर 1 और बेफालतू नंबर 2. थैंक्स अ लॉट फॉर अग्रीइंग टू मेक दिस वीडियो विद मी. बहुत मजा आया. अभी इसके और एपिसोड आने वाले गाइस, तो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.